हेलो गाइस, वेलकम टू गोवा। तो हम लोग अभी एंटर करने वाले हैं अगुड़ा फोर्ट। यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है। यहाँ एंट्री करने के लिए जो टिकट का कॉस्ट है वो फॉरेनर्स के लिए अलग है, और जो इंडियन सिटीजन है उन लोग के लिए अलग है। फोर्ट से व्यू देखिए आप लोग एक बार। ओवरऑल यही है हम लोग का रूम। यहाँ पे हुक्का भी मिलता है, 350 रुपीज़ प्राइस। यहाँ से लिए है चिकन थाली। देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये ऑफ सीजन है। यहाँ पे बागा बीच लिखा हुआ है, बीच के बाहर यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है। 11 बज रहा है अभी, तो हम लोग जस्ट निकल रहे हैं। अभी सामने इलेक्शन है इसलिए ये रूल्स है, वरना ऐसा नहीं होता है। रात को 1 बजे 2 बजे तक तो अल्कोहल सर्व होता ही है। सो अभी हम लोग निकल गए हैं इस होटल से, अभी जाएंगे नेक्स्ट होटल में। यही एक फ़ायदा हुआ हम लोग का, हम लोग एक्चुअली फोर व्हीलर लिए है ना, इसलिए सामान रखने में उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इफ़ स्कूटी रेंट लेते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता ऐसे शिफ्ट करने में। सो ये है हम लोग का नेक्स्ट होटल, दी क्लीवेज कैलंगुएट। शायन गया है चेकिंग का प्रोसेस करने। इधर पार्किंग का भी फैसिलिटी है, यहाँ पे हम लोग पार्किंग कर दिए और इधर ही है होटल। सो ये है हम लोग का रूम 207। यहाँ पे एंट्री करते ही यहाँ पे है वॉशरूम, इस साइड रूम देखिए आप लोग, और इधर है ड्रेसिंग टेबल, बेड साइड टेबल है, लाइट लैंप भी है। ये यहाँ से बाहर का व्यू है। ये इधर है टेबल, यहाँ पे बॉटल भी है, ग्लासेस है दो, और एस्ट्रे है, और इधर है टीवी। वॉशरूम दिखा देती हूँ मैं, ये है वॉशरूम। यहाँ पे नहाने के लिए साइड में एक पार्टीशन किया हुआ है, जैसे कि हम लोग के कासा लेजेंड स्वीट्स में था। ये है हम लोग का नेक्स्ट रूम, यहाँ पे भी एंट्री करते टाइम है वॉशरूम, इधर ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ पे है बेड, दो साइड है लाइट लैंप और साइड टेबल, और ऊपर सीलिंग, वाओ। एसी रूम है ये, यहाँ पे भी टीवी है, इस साइड टेबल है। हम लोग यहाँ पे अपना सामान रखे हैं, और इस साइड है बैल्कनी, यहाँ से व्यू देखिए। मैं पूरा ओपन करके दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए बस बेडरूम से व्यू, वाओ। यहाँ पे टेबल चेयर एस्ट्रे, और इधर बाहर व्यू, वाओ। ये रहा वॉशरूम, इस रूम का यहाँ पे भी है बेसिन, मिरर, हैंड वॉश, और इधर भी नहाने के लिए अलग सा पार्टीशन किया हुआ है। सो हम लोग का ब्रेकफास्ट आ चुका है, यहाँ पे है पोहा, ये छोले भटूरे, दो था एक खा लिया मैंने, और यहाँ पे है चिकन सैंडविच और कॉफ़ी एंड चाय। अभी ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। हम लोग ब्रेकफास्ट में सब कुछ ट्राई किए, इतना अच्छा खाना बनाया है वो लोग, छोले भटूरे बहुत अच्छा था, कॉफ़ी चाय नॉर्मली जैसे कि बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो कॉफ़ी और चाय दोनों ही पसंद है, बट कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और सैंडविच जो था, सैंडविच साइज में छोटा था बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अभी मैं तो पोहा खा रही हूँ, ये लोग कोई भी पोहा नहीं खाता है। पोहा भी बहुत टेस्टी है, बहुत स्पाइसी बनाया है जैसे कि मुझे पसंद है। हम लोग अभी रेडी होके आ चुके हैं पूल साइड, ये रूफटॉप पूल है। यहाँ पे एक फैसिलिटी बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे पूल में वो लोग अल्कोहल सर्व कर रहे हैं, बाकी हम लोग इतना होटल्स चेंज किए कहीं पे भी अलाउ नहीं कर रहे थे। वाओ पीछे का व्यू,
इतना गर्मी है और गर्मी में पूल, वाओ बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठंडा ठंडा पानी, ऊपर धूप भी है, इधर ठंडा ठंडा पानी। ये देखिए, ये शायन का स्ट्रेटेजी है बियर ठंडा रखने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है और बियर पूरा गर्म हो जा रहा है, इसीलिए शायन और भाई यहाँ पे रख दिया है बियर। ये दोनों गोवा में आके स्विमिंग सीख लिया है, जो कि मेरे से कभी नहीं होगा क्योंकि पानी से बहुत डर लगता है मुझे। ये लुक इतना गंदा है, दोनों रील्स बना रहा है, यहाँ पे शायन रील्स बना रहा है, इधर मेरा भाई रील्स बना रहा है, और मुझे कोई भाव नहीं दे रहा है, सिर्फ मुझे बोल रहा है कि रील्स बना के देने के लिए। रील्स में इतना बिजी है, मैं लड़कियों की इतना रील्स नहीं बनाती हूँ, रील्स बनाती ही नहीं हूँ मैं उतना, 2-3 मंथ्स में एक बार। और इन लोग को देखिए, और अगर आप लोग को ये रील्स देखना है, ये वीडियो वगैरह, पिक्चर वगैरह सब कुछ देखना है, तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो हम लोग को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये लोग तो रील्स बनाने में बिजी है, इधर मैं खाना देख रही हूँ, बस वेट कर रही हूँ इन लोग के आने का। देख के बहुत डिलीशियस लग रहा है, हम लोग ऑर्डर किए है ये ड्राई चिली चिकन। कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हम लोग का लास्ट डे है, तो हम लोग जितना हो सके एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक बात बोलूंगी, जो लोग एक बार गोवा आएंगे ना, वो लोग बार बार आएंगे, क्योंकि हम लोग का ये फर्स्ट टाइम है और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोग का नेक्स्ट जब भी प्लान होगा ना, हम लोग गोवा ही आएंगे। और अगर आप लोग एक महीने के लिए ये प्लान सेट कर दो कि गोवा में जाऊंगा घूमूंगा एक महीने के लिए, तब भी आप लोग को ये कम लगेगा, क्योंकि इधर बहुत बहुत सारा प्लेस है घूमने के लिए। और मतलब क्या बोलूं, ये पूरा अलग जगह है, मतलब पूरा वाइब्स अलग है, पूरा सिनेरियो अलग है। हम लोग तो 5 डेज के लिए यहाँ पे आए हैं, बट हम लोग को कम ही लग रहा है, क्योंकि गोवा में घूमने का बहुत सारा प्लेसेस है। और मैं ये आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 1 वीक का प्लान करके आप लोग आइए, इफ 4-5 डेज का प्लान करोगे तो पूरा घूमना नहीं होगा। और इधर आप लोग चाहो तो कपल भी आ सकते हो, उसमें बजट ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ आप लोग के मर्जी, पर अगर ग्रुप में आओगे तो एंजॉय भी ज्यादा होगा। यहाँ पे नॉर्मली जो होटल्स है, विलास है, उसमें एक चीज है, इफ आप लोग ग्रुप में आते हो, 8-10% इफ आते हो, 8% पूरा परफेक्ट है, 8% अगर आते हो ना, यहाँ पे 4 BHK विला आप लोग का आराम से मिल जाएगा, और प्राइस भी बहुत कम है, मतलब पर डे का 4 BHK का वो लोग ले रहा है 6,000-5,000, बहुत ही कम है, 8 जन के अंदर अगर डिवाइड होगा ना, बहुत ही कम हो जाएगा ये। और यहाँ का हम लोग अभी जुलाई पे आए, जुलाई का एंड में, एवरेज के लिए जुलाई के बाद अगस्त सितंबर ये टाइम भी बहुत सही है, क्योंकि बहुत सारा जो शॉप है, जो वाटर स्पोर्ट्स है वगैरह है, वो सब अभी बंद है। हाँ, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि अगस्त मंथ से ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से, तो आप लोग को सब अवेलेबल भी मिल जाएगा, बजट भी थोड़ा आ जाएगा, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो अगस्त सितंबर गाइस। और एक स्पेशल चीज जो आज है, हम लोग का 3 ईयर्स एनिवर्सरी, और मैं डेट रिवील नहीं करूंगी अभी के लिए, आप लोग के पास ये सीक्रेट है और सीक्रेट ही रहने दो, बाद में आप लोग को पता चल जाएगा। और आज का दिन मैं सीरियसली बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बस आप लोग अपने प्रेयर्स में हम लोग को रखना कि हम दोनों ऐसे ही साथ रहे और हमेशा एक दूसरे के साथ हैप्पी रहे। हम लोग का लास्ट जो होटल था, वो एक्चुअली हम लोग चेंज किए, एक ही रीज़न है, वो है कि वहाँ पे मिरर नहीं था। वैसे होटल अच्छा था बहुत, बट वहाँ पे एक्चुअली रेडी होने के लिए हम लोग को वॉशरूम जाना पड़ रहा है, मिरर बाहर एक भी मिरर नहीं था, सो इसलिए हम लोग होटल चेंज किए। वहाँ पे हम लोग का बुकिंग था 2 दिन का, बट हम लोग एक दिन स्टे करके उसके बाद हम लोग रिफंड ले लिए। वो जो बुकिंग था वो मैंने किया था एक माई ट्रिप से, सो मैंने कस्टमर केयर से सपोर्ट ली थी, तो वो लोग मेरा एक दिन का जो अमाउंट था वो रिफंड कर दिया है। इसके साथ एक कूपन भी वो लोग मुझे दिया है 2,000 रुपीज का, जो मैं नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे भी जाती हूँ, होटल्स बुक करती हूँ या फिर फ्लाइट बुक करती हूँ, तो वहाँ से डिस्काउंट हो जाएगा 2,000 रुपीज। तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे मेक माई ट्रिप का। ये मेक माई ट्रिप का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं मेरा जो ओपिनियन है मैं बस वही आप लोग के साथ शेयर की हूँ।
यहाँ पे। सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, मेरा दार्जिलिंग में एक बुकिंग था तो वो मैंने कैंसिल किया था, फुल अमाउंट मुझे रिफंड मिला था कस्टमर केयर से बात करके। यहाँ पे भी सेम हुआ था, यहाँ पे फुल अमाउंट मैंने पे कर दिया, इनफैक्ट मैंने चेक इन भी कर लिया था, बट उसके बाद मैं बोली हूँ कि नहीं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो समझाना पड़ेगा आप लोग को। इफ कस्टमर केयर से कोई कॉल करता है तो पूरा डिटेल्स आप लोग बता देना, तो वो लोग उसके हिसाब से आप लोग को रिफंड कर देंगे अमाउंट एंड कुछ कूपन्स भी दे देंगे। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ बता दे रही हूँ आप लोग को, कल हम लोग जो कैलंगुट बीच गए थे वहाँ पे हम लोग क्रूज बुकिंग किए थे डेल्टिन रॉयल का, और हम लोग लिए थे प्रीमियम पैकेज। और आप लोग को तो शायद पता ही होगा कि यहाँ पे डेल्टिन रॉयल क्रूज पार्टी का कितना डिमांड है, और ये बहुत ही फेमस है, और इसके बारे में डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी आप लोग को। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।